गाइस एक बार माइनक्राफ्ट के अंदर एक विलेजर और उसका छोटा बच्चा कुछ वेपन्स खरीदने के लिए एक विलेज के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो काफ़ी सारे वेपन है, मैं कौन सा वेपन खरीदूँ। और फिर जो वो बड़ा वाला जो विलेजर होता है वो कहता है चलो मैं ये वाला पिकैक्स को खरीद लेता हूँ जो कि मेरे हमेशा काम आएगी। और फिर जो छोटा बच्चा होता है वो सामने की तरफ देखता है, वहाँ पर काफ़ी सारी टॉफ़ी और कैंडीज भी खड़ी होती हैं और उनको देखने के बाद वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है एंड वो चुपके से वहाँ पर चला जाता है। और ये देखने के बाद उसके जो पापा होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं अबे ये कहाँ चला गया, इसने मेरी बात दोबारा से नहीं मानी, ये एक बार फिर से मुझसे बिना पूछे उस शॉप पे चला गया, अब इसको रुको बताता हूँ अभी रुको। अबे तू दोबारा से कैसे यहाँ पे कैसे आ गया मुझसे बिना पूछे, तू कुछ भी नहीं करेगा समझा, यहाँ पे तू कुछ भी नहीं कर सकता, चल घर पे चल, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर गाइस वो उसको मायूस देखने के बाद थोड़ा मतलब थोड़ा खुश हो जाते हैं, फिर अपने अपने जेब से पैसे निकालते हैं एंड वो उस शॉप वाले को दे देते हैं, फिर शॉप वाले से एक टॉफ़ी खरीद के अपने बेटे को दे देते हैं। और फिर जो उनका बेटा होता है वो टॉफ़ी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है थैंक यू पापा आप बहुत अच्छे हो। ऐसा बोलने के बाद गाइस वो दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो चीज़ थी वो जो लेने आए थे वो खरीद ली है। और अब गाइस वो चीज़ को खरीदने के बाद अपने घर की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे उनका घर होता है वो होता है विलेज, अपने विलेज के अंदर वो लोग आ चुके हैं। और गाइस जो छोटा बच्चा होता है उसके तो दो दोस्त आते हैं बार उसको बुलाने के लिए कि चलो पिंकू खेलने चलते हैं, चलो हम लोग खेलेंगे साथ में, हाँ आज हमारा खेलने का टाइम हो गया है, ऐसे वो लोग बुलाते हैं। फिर कहता है पापा क्या मैं खेलने चला जाऊँ, फिर वो अपने पापा से पूछ जाता है और वो उन दोनों के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। उसके पापा भी घर में चले जाते हैं। अब गाइस दिन से हो चुकी है रात, अब गाइस जो पिंकू है वो खेल के अपने दोस्तों के साथ घर पर आ चुका है क्योंकि गाइस वो खेलने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका है इसलिए वो सीधे आने के बाद डायरेक्ट सो जाता है क्योंकि गाइस इसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती इसलिए वो आराम से सो गया। और फिर उसके पापा देखते हैं कि अरे बेटा तुम थक गए क्या, चलो कोई बात नहीं बेटा सो जाओ आराम से, अब सुबह आराम से बातें करते हैं ठीक है। और फिर गाइस वो सोने लगता है लेकिन गाइस किसी को क्या पता कि वहाँ पे कौन आने वाला, गाइस वहाँ पे पिलेजर्स का अटैक होने वाला था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। गाइस ये मतलब जिस पे भी अटैक करने के लिए आते हैं उसको उसके पूरे के पूरे वर्ल्ड या फिर उसके पूरे पूरे घर को गाइस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गाइस बंदे होते हैं, इनको बंदे नहीं बोलेंगे इनको बोलेंगे मॉन्स्टर्स। और जैसे ही जब विलेजर बाहर निकल कर देखता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तब वो देखता कि यहाँ पर तो पिलेजर्स आ चुके हैं, इनसे बचने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनने दोबारा से हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर दिया है बच्चे, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, सुनो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, सुनो ये एक लामा है तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए दोबारा थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा उसके पापा अपने बच्चे से बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा दोबारा और ऑल द बेस्ट बच्चा, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारी जान बच जाएगी तो मेरी भी जान बच जाएगी, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर वो इस लामा को मारते हैं, फिर लामा वहाँ से चल देता है दूसरी ओर मतलब उस विलेज से बाहर। और फिर गाइस जो उसके पापा होते हैं वो उस विलेज के अंदर अकेले ही रह जाते हैं उन लोगों से फाइट करने के लिए, उसने अपने बच्चे को तो भेज दिया है अब वो अकेले फाइट कर रहे हैं। अब गाइस जो बच्चा होता है वो लामा पे बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है एंड वो एक जंगल में आ जाता है। और फिर गाइस उसे अपने डैडी की याद आ रही होती है कि मतलब कैसे वो उसको खिलाते थे और उसको टॉफ़ी वगैरह दिलाते थे और वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था और सोता था, मतलब उसको सारी यादें आ रही होती हैं अब क्योंकि वो अपने विलेज से दूर हो चुका है इसीलिए उसको सारी यादें वापस आ रही हैं। और फिर वो गाइस वहाँ पर उतर जाता है अपने लामा के ऊपर से और लामा को बहुत तेज प्यास लगी होती है इसलिए वो लामा को पानी पिलाने के लिए एक नदी के पास चला जाता है। और फिर कहता है हेलो लामा वो देखो सामने एक नदी है, तुम उसमें जाके पानी पी सकते हो, जाओ तुम फटाफट से उसमें जाके पानी पी लो, तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी होगी क्योंकि तुम काफ़ी देर से मुझे बैठाकर काफ़ी दूर से लाए हो। फिर लामा जो होता है वो पानी पीने लगता है एंड गाइस फिर उसको वो चाटने लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं आपस में। लेकिन गाइस उनको एक भनक होती है क्योंकि गाइस वहाँ पे आ रहे होते हैं तीन वोल्फ। अब गाइस वोल्फ विलेजर के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और लामा के भी। और फिर जो लामा होता है वो विलेजर को अपनी पीठ पर बैठा के वहाँ से भाग लेता है और वो तीनों वोल्फ गाइस आंखें लाल करके एकदम वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और गाइस उनसे भागना लामा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सामने गाइस एक खाई होती है तो उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो लामा होता है वो विलेजर को दूसरी तरफ फेंक देता है और लामा उसी तरफ रह जाता है। तो अब गाइस लामा की जान बहुत ज़्यादा खतरे में है और गाइस लामा को उन तीन वोल्फ ने मार दिया। अब बेचारा जो विलेजर का बच्चा होता है वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मतलब उसके पापा को भी मार दिया गया और उसका लामा दोस्ती मर गया। अब गाइस जो विलेजर का बच्चा है वो रात में ऐसे घूम रहा है और उसके पास जोम्बी भी गाइस आ रहे हैं उसके पीछे उसको मारने के लिए क्योंकि इस टाइम गाइस उसकी जान का हर कोई दुश्मन है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसको खाने में हर किसी को मज़ा आएगा जोम्बी से लेके डॉग तक को। एंड गाइस जब वो एक विलेज में आ चुका है सबका गेट खटखटा रहा है कि मतलब कोई भी उसे अपने घर के अंदर ले ले, लेकिन गाइस उसको कोई भी अंदर नहीं ले रहा होता है क्योंकि सब ऑलरेडी डरे हुए
होते हैं क्योंकि उस क्योंकि गाइस विलेज के अंदर हमला हो चुका है पिलेजर्स का। एंड गाइस बॉस फाइनली घर के अंदर आके शांति से बैठ जाता है और वो वहाँ बैठ के रोने लगता है, लेकिन गाइस ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो उस विलेज के बाहर ही खड़े रहते हैं। और फिर वो गाइस वहीं पर सो जाता है। गाइस सुबह हो जाती है और जैसे ही वो सुबह उठता है वो देखता है, अरे मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, अच्छा मैं तो यहाँ पे आ गया था, रात में मेरे पीछे वो ज़ॉम्बीज पड़े थे और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए है क्या, ऐसा वो बोलता है गाइस क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही होती है और उसने 3 दिन से गाइस कुछ भी नहीं खाया होता। फिर वो देखता है कि इसके अंदर कुछ है क्या, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। फिर वो उसको फेंक देता है। एंड गाइस वो ऊपर देखता है, ऊपर एक जार रखा हुआ है, शायद उसके अंदर कुछ खाने के लिए हो सकता है, बट उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो गाइस ऊपर चढ़ता है, वो देखता है चलो यार इसके अंदर कुछ होगा, लेकिन गाइस उसके अंदर भी कुछ भी नहीं होता। फिर वो गाइस उसको भी फेंक देता है। एंड वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और फिर जो जार होता है वो एक चेस्ट के पास जाके गिरता है। और गाइस वो उस चेस्ट में पक्का कुछ ना कुछ तो होता है। फिर जैसे ही वो विलेजर होता है वो चेस्ट के पास जाता है, जब देखता है उसे खोल के तो उसमें काफ़ी सारे कुकीज़ पड़े होते हैं जिन्हें खाकर वो अपनी पेट की भूख को मिटा सकता है। और फिर गाइस वो उन कुकीज़ को तो खा लेता है, खाता हुआ जा रहा था। और फिर गाइस उसी चेस्ट के अंदर उसको एक तस्वीर मिलती है, मतलब शायद वो एक ऐसी तस्वीर है जिससे मतलब वो अपने पापा का रिवेंज ले सकता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग आयरन गोलम को स्पॉन करेंगे तो वो उन सभी प्लेजर्स को जान से मार देगा। ये बात एकदम सच है गाइस। और फिर गाइस वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन गाइस उसको इन बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। और फिर गाइस उसको एक वो दिखता है, मतलब पंपकिन वाला मुंह। फिर गाइस वो उसको मतलब ऐसी खेल मतलब ऐसी मजाक में उसके पास रख देता है। एंड वो कहता है यहाँ पे रखा हुआ अच्छा लग रहा है। फिर वो गाइस उसको उस मतलब वो जो आयरन के ब्लॉक होते हैं वो उनको ऊपर रखने का ट्राई करता है। फिर वो एक बार वो अपने हाथ में पंपकिन के लेके गाइस वो पीछे से उसको फेंक देता है। और फिर जो गाइस वो पंपकिन होता है वो एकदम करेक्ट जगह जाके लग जाता है। एंड गाइस लगने की वजह से वहाँ पे एक आयरन गोलम को स्पॉन होना पड़ता है। और फिर गाइस एक आयरन गोलम वहाँ पे स्पॉन हो जाता है, जैसे कि हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर आयरन गोलम को स्पॉन करते हैं, सेम उसी टाइप वहाँ पे भी आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है। और फिर उसे देखने के बाद जो छोटा विलेजर होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वो बोलता है प्लीज़ मेरे को मत मारो, प्लीज़ मेरे को मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जो गाइस जो मतलब जो आयरन गोलम होता है वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तुम मतलब मैं आज से तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारी जान बचाता रहूँगा ज़िंदगी भर, मैं तुम्हारा आज से सेवक हूँ। और फिर गाइस वो दोनों चल देते हैं अपनी तरफ, अपनी मंजिल को पाने के लिए, यानी कि अपना रिवेंज लेने के लिए। गाइस आज से जो आयरन गोलम है वो विलेजर्स का एक मतलब एक साथी बन चुका है, वो उनकी जान को हमेशा रक्षा करेगा जब तक कि उसकी जो आयरन गोलम है उसकी मौत ना हो जाए, अपनी गाइस मौत तक वो उनकी रक्षा करने वाला है। और आयरन गोलम ने उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया है ताकि वो वहाँ से छलांग मार सके। गाइस वो वहाँ से छलांग मार देता है ताकि वो दूसरी तरफ जाके मतलब उस खाई से दूर दूसरी तरफ जाके जा सके। और फिर वो आराम से दूसरी तरफ खाई के आ जाता है एंड विलेजर को भी नीचे उतार देता है। और फिर वो विलेजर कहता है वाह वाह अंकल आप तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन गाइस वहाँ पे 3 बोल्फ होते हैं एंड उन्हें देखने के बाद विलेजर एक बार दोबारा से डर जाता है और सोचता है कि इन्हीं बोल्फ ने मेरे लामा को मारा था, ये वही बुरे वाले बोल्फ हैं, इन्हें मारो प्लीज़ अंकल, इन्हें प्लीज़ मारो। और फिर कहता है जो वो आयरन गोलम कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं इनको आराम से मार दूंगा, तुम्हारी जान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो गाइस उन तीनों को मार देता है एक एक करके, वो तीनों को मार देता है, एक को वो खाई में फेंक देता है और दो को वो जान से मार देता है। एंड उसके पीछे एक और आ रहा होता है, वो तो गाइस डर के मारे पैसे ही भाग जाता है क्योंकि गाइस आयरन गोलम ने विलेजर को बचाने की कसम खाई है और वो उसकी एंड तक रक्षा करने वाला है। और गाइस आप सामने देखता है कि सामने मतलब वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, फिर गाइस वो उसी को पका के खा लेते हैं। गाइस ये हुई ना अच्छी बात, मतलब वो उस डॉग को ही पका के खा लेते हैं वो दोनों आयरन गोलम और विलेजर्स। और गाइस अब रात हो चुकी है तो अब सो चुके हैं वो लोग, लेकिन गाइस जो विलेजर होता है उसको रात में मतलब नींद नहीं आ रही होती है, उसको काफ़ी सपने आ रहे होते हैं कि कैसे मतलब उसके पापा को मारा गया था और कैसे उसके विलेज के ऊपर गाइस बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा हमला किया गया था, मतलब पूरा का पूरा उसके विलेज को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था और उसके पापा को गाइस मतलब जान से तलवार घुसेड़ के मार दिया गया हो, ऐसा उसको सपना आता है। और इस सपने के बाद गाइस बहुत पसीना आता है और फिर वो आयरन गोलम से कहता है अंकल मुझे बहुत भयानक सपना आया है, किसी ने मेरे पापा को मार दिया है, किसी ने मेरे पापा को मार दिया है, वो पिलेजर से उन्होंने मेरे पापा को मार दिया है, ऐसा वो बोलता है। और फिर गाइस जो वहाँ पे एक विलेज के अंदर 3 विलेजर शांति से बैठे होते हैं मतलब, और फिर एक विलेजर आता है वो कहता है वो देखो आयरन गोलम हारा है हमारे विलेज के अंदर। और फिर आयरन गोलम वहाँ पे आ जाता है और फिर उन लोगों से पूछता है हाँ भाइयों क्या बात है, आप बताओ मेरे को इस विलेज के अंदर क्या बात है। और फिर जो छोटा विलेजर होता है वो अपने घर के अंदर आके देखता है कि मेरा घर कैसा है, सेफ है या फिर नहीं है। फिर जैसे ही वो अपने घर के अंदर आता है वो फिर दूसरे अंकल आते हैं उसके घर में और फिर कहते हैं बेटा एक बहुत ही बुरी खबर है, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया के अंदर।
बेटा वो उन लोगों से फाइट करने के चक्कर में उनकी जान चली गई बेटा, ऐसा वो कहते हैं। फिर गाइस वो उनको श्रद्धांजलि दे देता है, उनको छोटा बच्चा, एंड उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। एंड गाइस वो अपने घर में आ जाता है, फिर वो अपने चेस्ट को खोल के देखता है कि उसके अंदर क्या है। और जैसे ही वो अपने चेस्ट को खोलता है गाइस, उसको कुछ दिखता है, मतलब पूरा का पूरा चेस्ट प्लेट और मतलब पूरा आयरन सूट, डायमंड सूट। और फिर गाइस वो अपने पापा की रिवेंज की याद में पूरा का पूरा सूट पहनने का डिसाइड करता है। लेकिन गाइस उसी टाइम उस विलेज के अंदर गाइस दो दो पिलेजर्स आ जाते हैं, और जो आयरन गोलम होता है उन दोनों पिलेजर्स को उठा के इतनी दूर फेंक देता है कि किसी ने सोची भी ना होगी। मतलब जो आयरन गोलम है उसके पास काफ़ी ज़्यादा गाइस पावर्स है विलेजर्स के मुकाबले। और फिर गाइस छोटे विलेजर को भी गुस्सा आता है, और वो भी गाइस अपनी पिकैक्स लेके उस विलेजर के सर में घुसेड़ देता है। और गाइस वो सब लोग मिलके उन विलेजर से फाइट करने लगते हैं, और लेकिन गाइस वहाँ पे और भी सारे विलेजर्स आ रहे होते हैं, एंड वो गाइस एरो से उनके ऊपर वार करने लगते हैं गाइस। और वार करने के बाद गाइस जो एरो आ रहा होता है आरम गोलम की तरफ, और गाइस वो छोटे विलेजर को हाथ में लग जाता है। वो काफ़ी सारे गाइस एरो छोटे विलेजर के लग जाते हैं, लेकिन गाइस आरम गोलम उनको बचा नहीं पाता है। इस चक्कर में गाइस आरम गोलम भी बहुत दुखी हो जाता है कि मैं अपने महाराज को बचा नहीं पाया। और फिर गाइस आरम गोलम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड गाइस वो उन दोनों को वहीं से उठा के फेंक देता है। और गाइस एक और एरो आरम गोलम के भी लगता है, जो कि मतलब काफ़ी, जो गाइस उन विलेजर्स का बॉस होता है वही उनके एरो मार रहा होता है। एंड गाइस जब आयरन गोलम उस बॉस के पास जाता है और उनको मारने के लिए, फिर वो उसको उठा के उसकी मतलब पूरी गर्दन उठा के गाइस वो उसको घुमा के उसको जान से मार के गाइस उसको वहीं पे पटक देता है। एंड गाइस वो जो प्लेजर होता है वो मरता नहीं है, फिर वो जो आयरन गोलम होता है उसको पैर रख देता है, और फिर गाइस उसकी मौत हो जाती है। फिर गाइस जब आयरन गोलम दोबारा से आता है छोटे से विलेजर के पास, वो कहता है क्या बच्चे तुम ठीक हो, प्लीज़ अपनी आँख खोलो, हम चल रहे हैं हॉस्पिटल में तुम्हें बचाने के लिए, हम तुम्हारी जान पक्का बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ एक मिनट वेट करो। और फिर गाइस जो आयरन गोलम होता है वो छोटे से विलेजर को लेके एक विच के पास आ जाता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। और जो विच होती है वो कहती है आपने बहुत देर कर दी भैया, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करूँगी इनको बचाने का। और फिर गाइस जो विच होती है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती है ताकि उसकी जान बच जाए। वो उसको एक मतलब केमिकल पिलाती है जिससे गाइस उसके सारे के सारे घाव भर जाते हैं, एंड वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छी लगी प्लीज़ कॉमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।